नमस्कार अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का आप देख रहे हैं हमारे लाइव और इंटरैक्टिव सत्र हमारे ई विद्या चैनल नंबर नौ पर और हम आपको बता दें कि इस सत्र को जल्द ही हम हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ऑफिशियल पर भी अपलोड करेंगे आज कक्षा नौ के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए हम ये सत्र लेकर आए हैं जो कि संस्कृत विषय पर है आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का लेंगे छठा अध्याय जिसका शीर्षक है लौह तुला क्या हम इस पाठ के ज़रिए सीखने वाले हैं समझने वाले हैं इसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ हम देंगे इस पाठ को पढ़ेंगे इसका मतलब भी जानेंगे क्योंकि जो हमारा विषय है वो संस्कृत है लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी कोई भी प्रश्न है आपकी कोई राय है प्रतिक्रिया है आप हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इस सेशन को बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और कोई भी आपके अगर क्वेश्चन आपके सवाल प्रश्न रह जाते हैं तो ई पर हमें भेज सकते हैं अब हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आज इस विषय पर हमें पूरी जानकारी देंगी हमारी आज की गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता शर्मा मैम नमस्कार स्वागत है आपका नमस्ते जी मैम जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत संकाय में कार्यरत हैं और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें जो टॉपिक है सबसे पहले तो इसी का मतलब बताएं कि लाहौतुल्ह शब्द का अर्थ क्या है आज के पाठ में हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं जी बिल्कुल नमस्ते सभी को नमस्कार और हमारे जो प्यारे बच्चे इस पाठ को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए ये पाठ जो कि जिसका शीर्षक है लोह तुला इसका मतलब है लोहे की का तराजू अगर आप स्क्रीन पर देखें तो देखिए आपके लिए मैंने स्क्रीन पर एक पिक्चर एक अगर आप देख रहे होंगे तो तस्वीर में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी एक दिखाई दे रहा है तराजू और दूसरा दिखाई दे रहा है चूहा तो ये जो कहानी है उसमें तराजू और चूहा क्या कमाल करता है और किस तरीके से इस कहानी में ये जो चूहा होता है वो इस तराजू को खा जाता है और ये छोटी तराजू का फोटो है एक्चुअली ये जो कहानी है वो बड़ी हजार किलो वाली जो तराजू है उसके बारे में है तो आ, चलिए फिर पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चूहा इस तराजू को खाता है बिल्कुल आ, स्क्रीन पर ही आप देख रहे हैं जो इसका संस्कृत क्या ये किस बारे में है पाठ उसको बताते हुए ये पाठ है अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ से मित्र भेदा तंत्रात् संपाद्य गृहीत अंश अस्ति ये जो पाठ है वो विष्णु विरचितस्य विरचित शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पंचतंत्र एक ग्रंथ है इस ऐसे कथाग्रंथ जो है उसमें एक पाठ है मित्रभेद मित्र उसके एक एक पोर्शन में से लिया गया है उसका एक अंश है अस्याम कथायाम एक जीर्णधननामक वणिक विदेशात व्यापारम करवा प्रतिनिवृत्त्य न्यास रूपेण प्रदत्ता तुलाम धनिकात प्रति याचते इस कथा में क्या होता है कि एक जीर्ण धन नाम का एक, एक वणिक है एक बनिया एक व्यापारी है वो विदेश से व्यापार करने के बाद वो जाता है विदेश में व्यापार करने के लिए और वो अपनी लोहे की जो तुला लोहे की जो तराजू होती है उसको किसी के पास रख देता है और जब वो वापस आता है और जब वो इस लोहे की तुला को वापस मांगता है तो उसका जिसको जिसको उसने ये लोहे की तुला न्यास के रूप में रखी होती है वो मना कर देता है कि भैया इसको तो चूहा खा गया अब तो तुमको हम वापस नहीं दे पाएंगे तब ये क्या करता है और इसके बाद ये कैसे अपनी लोहे की तुला को वापस पाता है इस से संबंधित ये पाठ है ये पाठ जो है वो इस यहाँ से शुरू होता है आप स्क्रीन पर अगर, अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर पाठ है पाठ कहता है आसिफ कसमिश्चित अधिष्ठाने जीन धनो नाम पुत्र आसीत मतलब था कस्मिश्चित अधिष्ठाने कहीं किसी जगह पर जीन धनो नाम वणिक पुत्र जीर्ण धन नाम का वणिक पुत्र जो है वो रहता था स च विभव क्षयात वो जो है ना विभव जो विभव मतलब वैभव उसे उसके क्षयात उसकी कमी हो जाने से मतलब गरीबी हो जाने से पैसे की कमी हो जाने से देशांतरम गत गंतुम इच्छन व्यचिंत वो देश के अंतरम देश के पार गंतुम तुमन प्रत्यय है बच्चों उसने देश के बाहर व्यापार करने जाने के लिए सोचा और व्यचिंत मतलब सोचा अब क्या सोचता है तो देखो सोचते हुए कहता है यत्र देशे थवा स्थाने भोगा भोक्ता स्वीरियत तस्मिन विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधम यत्र देशे जनरली uh, देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर uh, हम में से बहुत सारे लोगों के पिताजी बिजनेस करने के लिए hmm. काम करने के लिए नौकरी करने के लिए अपनी अपनी जगहों से बाहर गए हैं जी. तो वही भाव इस पाठ में है कि जब वहां पर जिस जगह पर वो रह रहा है वहां पर पैसे की कमी hmm. हो गई है तो जिस देश में आपके पिताजी बाहर क्यों गए पैसा कमाने के लिए बिल्कुंग. तो ये ये जो श्लोक है वो यही कह रहा है कि यत्र देशे जिस देश में यत्र जो है वो पद है इसमें कोई रूप और विभक्ति इसका चेंज नहीं होता है न व्यय अव्यय जिसमें व्यय न हो पद का वो अव्यय होता है जैसे अपि च ये जो अन्य शब्द हैं अत्र तत्र ये भी सब अव्यय पद है इनका एक एक निश्चित अर्थ होता है और वो जो निश्चित अर्थ है उसी में इनका प्रयोग होता है देशे जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है मतलब देश में देशे अथवा स्थान सेम वही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है देश में या स्थान में भोगा भोक्ता स्वीर भोगों को भोगा हो भोगो को मतलब अपने जीवन में जिस देश में अच्छी अच्छी चीजें खाई हो कैसे स्वीर अपने वीर से अपने सामर्थ्य से अपनी शक्ति से तो ये स्वीरत ये जो है ये अपने अपने सामर्थ्य से पंचमी विभक्ति के ऑप्शन में ये जो प्रत्यय है वो प्रयोग होता है तस्मिन विभवहीनो उसी देश में सप्तमी विभक्ति है बच्चों तस्मिन में भी तस्मिन विभवहीनो यो वसेत स पुरुषा पुरुष जमा अधम ऐसा पुरुष अधम होता है जो उसी सेम देश जहां पर उसने अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें करी खाई पी वहां वो गरीबों की तरह रहे और वो होता भी है कि हमारे जो पिताजी दादाजी अपनी जगह से बाहर इसीलिए आए क्योंकि उनको बेहतर जीवन आप लोगों को देना था और खुद को भी अच्छा जीवन जीना था अब आगे क्या होता है उसके पास अपने पूर्वजों का एक बहुत बड़ा एक लोहे लोहे का तराजू होता है तो कहते हैं कि तस्य च ग्रहे तस्य मतलब उसके षष्ठी विभक्ति वचन है तस्य मतलब उसके अस्य मतलब इसके च वही अव्यपद है तस्य च ग्रहे उसके घर में लौह घटिता पूर्व उपार्जिता पूर्व पुरुष मतलब जो उसके पुराने जो पूर्वज थे उनके द्वारा उपार्जिता उनके द्वारा उपार्जित की उनके द्वारा कमाई बनाई तुला आसित तराजू थी तुला मतलब तराजू आसीत मतलब थी कहाँ पर उस वणिक के घर में ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित ताम ताम किसको मतलब उस तुला को स्त्रीलिंग का प्रयोग है ताम अगर तुला पुल्लिंग होता तो तम प्रयोग होता उसको ताम मतलब उसको किसको तुला को ताम च कस्यचित किसी श्रेष्ठिनो मतलब किसी श्रेष्ठी मतलब किसी सेठ के घर में देकर कैसे देकर निक्षेप भूता मतलब न्यास के रूप में किसी किसी सेठ के घर में उसको रखकर देशांतरम देश से बाहर वो प्रस्थित चला गया कृत्वा मतलब करके त्वा प्रत्यय है क्री धातु है करके खाकर खादित्वा जाकर गत्वा इस प्रकार से त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है बच्चों और प्रस्थित जो है वो त तो प्रत्यय है जो कि भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है जैसे गतः गया प्रस्थित अच्छे से चला गया अच्छा फिर आगे क्या होता है ततः वहां से यथेच्छया भ्रांतवा अपनी अच्छी इच्छा जितनी भी उसकी इच्छा थी वो घूम घाम के काम कर करा के पुनः स्वपुरम आगत्य दोबारा वो अपने पुर में आकर आगत्य लेप प्रत्यय है लेप प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है कर के, के अर्थ में जा के, के अर्थ में और ये कई बार बताया जाता है आपको कि कर, कर, कर या जाकर ये जो प्रयोग है वो आपको दो अर्थों में मिलता है एक त्वा प्रत्यय जो है वो भी इसी अर्थ के लिए प्रयोग होता है और जो लेप प्रत्यय है वो भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है अंतर यह होता है कि अगर शब्द से पहले उपसर्ग है तो लप प्रत्यय होगा अगर शब्द से पहले उपसर्ग नहीं है तो त्वा होगा जैसे आपके पास आपके पाठ में कृत्वा अभी इसी से ऊपर वाली लाइन में प्रयोग था कृत्वा मतलब करके और उसके बाद उपसर्ग के साथ प्रयोग हुआ आगत्य मतलब आकर तो जब वो वापस आ जाता है वहां से अपना काम कर करा के तो तम श्रेष्ठिनम अवदत वो उस श्रेष्ठी को बोलता है क्या बोलता है वो कहता है भो श्रेष्ठ न हे सेठ दियताम में सा निक्षेप तुला दियताम दो भैया मुझे दो मे मतलब मुझे मुझको मुझे दो वो कौन सा स्त्रीलिंग का प्रयोग है सा क्योंकि जो तुला है ना वो स्त्रीलिंग का शब्द है तो सा तुला लेकिन कैसी तुला निक्षेप निक्षेप मतलब निक् न्यास के रूप में दी हुई जो तुला है न्यास के रूप में जो दिया हुआ तराजू है भैया वो मुझे वापस दे दो अब ये तो सामान्य सी बात है कि आप किसी को कोई चीज देके गए हैं है ना बच्चों तो फिर जब आप वापस आते हैं जैसे आपने अपने दोस्त से कहा भाई मेरा बैग देखियो मैं वॉशरूम में से आ रहा हूँ है ना अब आपका भाई या दोस्त जिसको आपने कहा कि बैग देखियो वो कहे कौन सा बैग उसे तो चूहे खा गए है ना तो फिर कैसा लगेगा आपको तो यही सेम जो है वो इस इस के साथ होता है तो देखिए आगे क्या होता है इसके साथ सो so, ये यहां पर अवग्रह जो एस आपको दिखता है ना ये अवग्रह होता है तो सह अवदत उसने कहा किसने कहा उस, उस सेठ ने कहा क्या कहा भो नास्ती स मेरे पास नहीं है वो जो तुला है त्वदिया तुला तुम्हारी जो तुला है ना वो मेरे पास नहीं है त्वदिया तुला मूश कही भक्षिता चूहों के द्वारा खाग ली गई है तुम्हारी तोला मूषक में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है मूषकों के द्वारा एक चूहे ने नहीं खाई बहुत सारे चूहे मिलकर खा गए फिर वो जीर्ण जो जीर्णधन है ना मतलब जो जो आपका बनिया, जो जो आपका बनिया आया है बेचारा व्यापार करके कहता है वो बोलता है भो श्रेष्ठ न हाँ ठीक है सेठ साहब न अस्थि दोष अस्ते आप इसमें ना आपका कोई दोष नहीं है न जमा अस्थि दोष ते ते मतलब तुम्हारा दोष नहीं है यदि मुंह से कही अब अगर चूहों के द्वारा उसको खा लिया गया है तो इसमें भैया आपका कोई दोष नहीं है ईदृश एव वायम संसार ये जो संसार है ना वो ऐसा ही है ईदृश इसी प्रकार का है की दृश किस प्रकार का है एव शब्द का मतलब होता है ही तो ये संसार है ऐसा ही है अयम संसार हा। संसार हा पुल्लिंग शब्द है इसीलिए अयम जो है उसका प्रयोग हुआ अगर यहाँ पर संसार की जगह कोई नपुंसक लिंग शब्द होता तो अयम शब्द का प्रयोग ना होकर अन्य जो नपुंसक लिंगवाचक शब्द है उसका प्रयोग हो रहा होता जी। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्त अत्र प्रयोग है किंचित जमा अत्र कर लीजिए यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है किंचित मतलब कुछ भी अत्र मतलब यहाँ पर शाश्वतम शाश्वत वो होता है जो हमेशा रहता है परम अहम लेकिन मैं नद्याम स्ना स्नानार्थम, स्नानार्थम गमिष्यामि लेकिन मैं ना ननी, नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर स्नानाय भी हो सकता था षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग भी हो सकता था, चौथी एक वचन का प्रयोग भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर स्ना शिशुम धन दे धन देवना मया सह कहते तब तुम एक काम करो ये जो तुम्हारा आत्मीय आत्मीय मतलब जो तुम्हारा बेटा है ना इस शिशु जिसका नाम है धनदेव इसको ना धनदेव नामक इस शिशु को मया सह मेरे साथ क्योंकि सह शाक ये जो शब्द है इनके साथ विभक्ति का प्रयोग होता है ये नियम है तो मया सह मेरे साथ भेज दो मतलब भेज दो लेकिन क्यों भेज दो ताकि ये स्नानो उपकरण हस्तम जो नहाने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होगी ना उनको ये पकड़कर ले जा सके जैसे नहाने के लिए साबुन हुआ नहाने के लिए कुछ कपड़े हुए या अन्य चीज नहाने की जो सामग्री होती है अब मैं इनको उठा के ले जाऊंगा मैं थका हुआ आया हूँ एक काम करो अपने बेटे को भेज दो अब इस सेठ को ये पता नहीं था कि क्या बात होगी आपने अपने दोस्त से कहा भाई मेरा बैग देखियो मैं भी आता हूँ वॉशरूम से हुँ. आप आए आ, और आपके दोस्त ने कह दिया भाई बैग तो मेरे को नहीं पता कोई बिल्ली चूहा खींच के ले गया गायब बिल्कुल गायब अब आप भाई से लड़ तो नहीं सकते ना लड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं तो अब आपने दिमाग लगाया आपने कहा ठीक है ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ एक काम कर तेरी साइकिल में थोड़ी ले जाता हूँ वहां तक मैं वहां पार्क कर दूंगा तो तो वहां से आके ले लियो आपने ऐसी बात कही अब जब आपका भाई आया और उसने कहा साइकिल कहाँ है तो आपने कहा कौन सी साइकिल वो तो कोई चोर ले गया <laughs> आ, वो तो मैंने नहीं कुछ किया तब आपके दोस्त या आपके भाई को समझ में आएगा कि आपने जो किया वो गलत, गलत था।, था तो देखिए इस पार्ट में ये जो वणिक है वो लड़ नहीं रहा है hmm. वो शठे साठ्यम समाचारित मतलब टेढ़े इंसान को टेढ़ाई से ही उस, उसको सही करना चाहिए hmm. तो तो वही कर रहा है है तो देखिए आगे क्या होता है? वो अपने बेटे को आगे भेज देता है और स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे स श्रेष्ठियम स्वपुत्रम अवदत उसने अपने उस श्रेष्ठी ने अपने बेटे को कहा वत्स पित्रो, पित्रो वयम तव ये तुम्हारा पिताजी पिता के समान है स्नानार्थम यास्यति नहाने के लिए चले जाओ तद अनेन साकम गच्छ इनके साथ जाओ सह साक के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है अथा अथ असौ श्रेष्ठी पुत्र धन स्नानो उपकरण आदाय प्रहृष्ट तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित चला गया भैया जो धनदेव था ना वो स्नान उपकरण पकड़कर प्रहृष्ट खुश होकर खुश मन से वहां पर उसके साथ चला गया तथा अनुष्ठित सह वणिक अच्छे से नहा धोकर वो वणिक मतलब नहाकर तम शिशुम उस बच्चे को गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य उस बच्चे को किसी गुफा के अंदर अंदर डाल के तद द्वार उसका जो द्वार है बृहत शिलाया बड़ी इसी शिला से पिधाए बड़ी शिला उस गेट के सामने रखकर सत्वरम त्वरम मतलब जल्दी जल्दी सत्वरम मतलब बहुत जल्दी जल्दी गृह आगत वो घर आ गया अब देखिए सह श्रेष्ठी वो श्रेष्ठी पूछता है भो अभ्यागत कथ्यता कुत्र शिशु भैया बताओ मेरा जो बेटा है ना कथ्यता बताओ कुत्र म, मेरा जो बेटा है वो कहाँ है यह तवया सह नदी में तुम्हारे साथ नदी गया था नदी में गया था सह अवदत वो बोलता है तवपुत्र तुम्हारा बेटा नदी तटात श्यन रत जो नदी तट से पंचमी विभक्ति का प्रयोग है एक वचन का श्यन बाज से बाज जो है उसको हर कर ले गया श्रेष्ठी बोलता है मिथ्यावादिना झूठे किम कुचित शेनो बालम हर तुम शक्नोती क्या कहीं पर जो बाज है वो इतने बड़े लंबे चौड़े भारी बच्चे को लेके जा सकता है हरण कर सकता है तेतम तो ना तत मतलब तो समर्पय समर्पित कर दे किसको को सुतम मेरे बेटे को मुझे वापस कर दे अन्यथा राजकुले निवेशिष्यामि निवेदिष्यामि राजकुल जाकर वहां पर मैं निवेदन करूंगा कि तुमने मेरा बेटा चुरा लिया है अब उसके जो प्राण है वो फंस गए लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी तो अगर आपकी भी गलती ना हो तो डरना नहीं चाहिए अपनी बात को थोड़ी सी टेढ़ाई के साथ अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करिए और घी को निकाल लीजिए तो यहाँ पर देखिए वो कैसे टेढ़ी कर कर घी को घी को कैसे निकाल रहा है सह अकथायत सो अकथयत कथायत का प्रयोग है सह अकथायत उसने कहा क्या कहा भो सत्यवादिन यथा शेनो बालम न नयती कहता है सुनो हे हे सत्यवादी हे सच बोलने वाले तुमने सही बोला यथा जैसे शेनो शेन जो बाज है ना बालम न नयती। बालक को नहीं ले जा सकता बालक को जैसे जैसे बाज नहीं ले जा सकता तथा वैसे ही मूशका अपि लोह घटिताम तुला न भक्षयंती। ये जो ये जो चूहे है ना ये भी लोहे की तुला को नहीं खा सकते तद अर्पय तुलाम दो भाई मेरी जो तुला है उसको दो यदि दारण प्रयोजन अगर बेटा चाहिए तो मेरी जो तुला है वो दे दो एवं विवध मानव तौ गतो। ऐसा विवाद करते हुए दोनों विवाद करते हुए राजकुल चले जाते हैं ये जो विवध मानव तव और गतौ का प्रयोग आप देख रहे हैं ये द्वितिया विभक्ति का प्रयोग है क्योंकि दो लोग दोनों चले गए राजकुल को इसलिए द्वितिया विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं द्विवचन का प्रयोग है संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है ना यहाँ पर द्विवचन है तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत बहुत ही दुखी होकर तारस्वरेण मतलब दुख था ना बेटा ले लिया बोलता है भो वंचितो हम वंचितो हम मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया अब्रम्यम मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया क्या गलत हो गया अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत अपहृत इति इस चोर ने मेरा लड़का जो है वो अपहरण कर लिया hmm. अथ अब धर्म अधिकारी जो है वो कहते हैं अब अथ धर्म अधिकारीण धर्म जमा अधिकारीण तम अवदन उसको बोले अवदन शब्द का प्रयोग है बहुवचन है है ना तो सारे धर्म अधिकारी बोलते हैं भो ए ए भाई समर्पया श्रेष्ठी सुता इसका बेटा वापस कर दो ना श्रेष्ठी सुता इसका इसका जो बच्चा है वो दे दो ना वापस स अवदत वो बोलता है क्या बोलता है किम करो मी? क्या करूं पश्य तो मैं नदी तटात शेन शिशु अभिरत मैं क्या कर सकता हूँ मेरे तो देखते देखते नदी के तट से वो जो शिशु है वो ले गया शेन बाज जो है वो ले गया तो उसको सुनकर तत् श्रुत्वा संधि पर की गई है तत् शब्द था और श्रुत्वा इस प्रकार का इसका संधि विच्छेद है ते अवदन वो बोलते हैं क्या बोलते हैं भो ए भाई भवता सत्यम न न अभिहितम तुम जो बात कह रहे हो ना ये सही नहीं लग रही है किम शेन शिशुम हर तुम समर्थो बहुवती क्या जो शेन है वो ले जा सकता है बच्चे को नहीं ले जा सकता तब वो कहता है सो अवदत सह अवदत अगर आप संधि वो देखेंगे तो कहता है भो भो हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है श्रूयताम बचा मेरी मेरी बात जो है ना वो बताइए तो वो कहता है कि मेरी बात सुनिए क्या बात सुनिए तुलाम लौ सहस्र यंत्र खादंती का हजारों किलो की जो जो लोहे की तराजू है अगर उसको चूहे यत्र यंत्र नहीं है यत्र खादंती जहां पर जो चूहे अगर उसे खा सकते हैं राजतंत्र राजन, राजन, लिखा है ना राजन जमा तत्र राजन वहां पर ना हरित शेनो बालकम नात्र संशय कोई संशय नहीं है कि वहां पर जो है ना क्या बोलते हैं शेन पक्षी जो है बालक को ले जाए ते अफ्रिछन के ये कैसे कैसा ऐसे क्यों बोल रहे हो तब वो बोलता है कि तथा सश्रेष्ठि सभ्या ये जो सभा है उसके आगे सारी बात आदित सर्वम वृत्तांतम न्यवदित सारी बात जो है वो बता देता है तथा उसके बाद न्याय अधिकारी जो है वो विहस्य हंसकर संबोध्य दोनों को समझा बुझाकर तुला जो है वो शिशु प्रदान तोषित जिसको जिसको जो चीज चाहिए थी वो वो उसको देकर तोषितवंता सब लोगों ने उनको शांत किया तुष्ट किया तो इस प्रकार से ये मजेदार कहानी हुई बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी और बहुत इससे हमें सीखने को भी मिलता है आपने साथ साथ में इसके अर्थ भी बताया अपने समाज की बात भी करी अपनी संधि की भी बात करी मैम समय बहुत कम रह गया पर चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पाठ का लर्निंग आउटकम क्या है वो हमारे आप व्यूवर्स के साथ प्लीज बताए हाँ ये ये पाठ से हमारे बच्चे एक बहुत बड़ा जो नैतिक सीख सकते हैं कि जब आपके ऊपर कोई भरोसा करे तो उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए अगर कोई आपसे किसी किसी चीज की अपेक्षा कर रहा है अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज आपके पास रख रहा है आपको कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है बच्चों में खासतौर पर ये होता है तो उसे गौसिप बनाकर फैलाना नहीं चाहिए नहीं। कोई अगर आप पे भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को आपको बचा के रखना चाहिए तो ये पाठ हमें ये सिखाता है बहुत बहुत प्यारी सीख और कस्टोडियन बनी अमानत में खयानत मत कीजिए जैसे कि उर्दू में कहते हैं लेकिन इस पूरे पाठ के लिए हम धन्य देना चाहेंगे डॉक्टर संगीता शर्मा आपका धन्यवाद आपने इतने अच्छे से ये पाठ हमें 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 समझाया सिखाया इसकी सीख भी 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 दी तो हमारे जितने भी हमारे जितने जितने दर्शक इस वक्त देख देख रहे रहे हैं हैं छात्र अब इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगला सत्र भी लाइव और इंटरक्टिव है जो गणित विषय पर होगा और जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और मुझे यानी हरप्रीत कौर को इस सत्र से दीजिए अनुमति जल्दी मिलूंगी आपसे नमस्कार